नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लूट मनी में। इस वीडियो में बताऊंगा UVX ऐप की फुल्ली KYC की ट्रिक प्लस एक ही डिवाइस की वन डिवाइस की हैक ट्रिक। बिल्कुल आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस ऐप में ना कुछ वर्क करना ना कुछ करना, और प्लस KYC की ट्रिक 4 दिन से फाइंड कर रहा हूँ, आज जाके मिली है भाई। बहुत खतरनाक है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट रियल नहीं चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का वो बेल आइकन का आइकन उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे बस मैं कोई भी लूट व्यू डालूं तो सबसे नोटिस हो जाए। मैं 5 से 10 सेकंड वेट कर रहा हूं। 5 से 10 सेकंड क्यों वेट कर रहा हूं? जैसे कि आपको पता है, जो भी लूट आती है सबसे पहले हमारे चैनल पे आती है, जो कोई दे भी सकता है। इसलिए बोल रहा हूं जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो भी आपके लॉस होने वाला है। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का क्या करना पड़ेगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन और सर्च LOOTLOOTMOFF पे क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ज्वाइन हो जाना। यदि हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो आगे बहुत बड़ा होगा। जैसे पता है, जो कल मैंने मतलब 1-2 दिन पहले मैंने 10 रुपये फ्री का पेटीएम का चला था, 1 मिनट काम नहीं था और सब जगह लूट भी लेटा, कितना जनों लूटा प्रूफ भी दिया मैंने, ठीक है। और देखो, मैंने 19 तारीख को मैंने इसी की लूट डाली थी। किसकी लूट डाली थी मैं आपको बताया था, तो UVX की लूट डाली थी। इसमें पार्ट मैं बोल रहा था कि माइनिंग का लूट है और बिल्कुल इंस्टेंट पेमेंट है भाई। इसकी बिल्कुल हैक ट्रिक बताऊंगा प्लस KYC ट्रिक बताऊंगा। आप कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। चलिए अब बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसे वेबसाइट की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके इस पर इस वाले पेज पे पहुंच जाओ। जैसे मैं यहाँ पे इस पर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपका ये वाला इंटरफेस आएगा, उसके बाद बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल फुल डिटेल से बताऊंगा और वीडियो में ना, क्योंकि यार जो मैं बताता हूँ मेन चीज़ वो यार मिस कर जाते हो, स्किप कर लेते हो, फिर आप बोलते हो यार नहीं यार समझ में नहीं आया मेरे। जैसे आपके लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके मैं चाइनीज लैंग्वेज आएगी, तो ये चाइना का ऐप है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज कैसे करना है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, चार लाइन दिख रही है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है ये वाला कंट्री का ऑप्शन, ठीक है, कंट्री का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर यहाँ पे इंग्लिश कर देना, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश कर देना, तो आपकी ये इंग्लिश की लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। आपके करना है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सब चीज़ फिल कर दो। और आपको फोन नंबर से मत नहीं बनाना है अकाउंट, आपको बनाना है ईमेल एड्रेस से, भले वो मेन अकाउंट वो यदि टेम्प्रेरी अकाउंट, ठीक है। बस आपको ईमेल एड्रेस अकाउंट होना है, इसमें सब चीज़ फिल करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ईमेल एड्रेस प्लस पासवर्ड लिखा, उसके प्लीज़ स्लाइड टू वेरीफाई पे क्लिक करो। जिससे आपको पता नहीं बताना, रोबोट ऐसे रोबोट जैसा कैप्चा, उस पर स्लाइड कर दो, उसका वेरीफाई हो जाएगा। उसका लिखना है गेट वेरीफिकेशन कोड, तो आप गेट वेरीफिकेशन कोड पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, आपकी ईमेल पे 6 डिजिट का वेरीफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। जैसे मैं मेरे ईमेल पे चले जाता हूं, उधर रिफ्रेश कर लेता हूं, यहां पे इंस्टेंट मेरा वेरीफिकेशन मेल आ जाएगा, तो उसको मैं यहां पे एंटर करता हूं। जैसे कि आ गया 115383, ठीक है, यहां पे मैं इसको एंटर कर देता हूं 115383। बिल्कुल आपको लाइव KYC कर दिखाऊंगा, बिल्कुल भाई बहुत अच्छी ट्रिक है। ऑलरेडी 3 अकाउंट में फेक KYC कर चुका हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आइए रीड एंड एग्री टू इस मतलब टिक कर देना, उसके साइनअप पे क्लिक कर देना। साइनअप पे क्लिक है, सक्सेसफुल साइनअप हो जाएगा, उसके ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक कर यहाँ पे दोबारा लॉग इन नहीं करना है, आपको करना है आपको डाउनलोड ऐप, लास्ट में लिख रहा है ना डाउनलोड नाउ कर, मतलब आपको ऐप को डाउन कर लेना, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके क्या करना पड़ेगा, जो यदि आप iOS यूजर हो तो iOS का ऐप डाउन कर लो, यदि आप एंड्रॉइड यूजर तो एंड्रॉइड का डाउन कर लो। मैं एंड्रॉइड यूजर हूँ तो एंड्रॉइड का APK डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डाउन होने देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ भाइयों, मैं 4 दिन से वेरीफाई कर रहा था। प्लीज़ यार लाइक करना तो भूलना मत, बिल्कुल, क्योंकि इतनी अच्छी ट्रिक दी है, क्योंकि आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, बस आपको KYC करके रख देनी है, स्टार्ट माइनिंग क्लिक कर देना, ठीक है। और अभी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा वीडियो में, बस बने रहना, ठीक है। जैसे मैं इसमें जाता हूँ, ठीक है, मेरे कम से कम 3 अकाउंट है मेन, ठीक है, 3 अकाउंट में KYC कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, फेक KYC, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सेटअप में, सेटअप पर क्लिक कर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मेरी KYC हुई है न्यू कम्प्लीट, ठीक है। यहाँ पर सेटअप पर जाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मोबाइल हैंग हो रहा है, ठीक है, सेटअप पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं उसके यहाँ पर लिखा जाएगा वेरीफाई, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा वेरीफाई, मैं यहाँ पे वेरीफाइड लिखा गया, ठीक है। अब आपको माइनिंग कैसे स्टार्ट करनी है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको दिखाता हूँ कि मेरी कितनी माइनिंग हुई। यहाँ पे माइनिंग पे क्लिक करता हूँ, सॉरी हैश पावर पे क्लिक करता हूँ। हैश पावर पे क्लिक करें, यहाँ पे आपकी माइनिंग का पेज खुल जाए, मैं खोल लेता हूँ। जैसे कि मैंने हैश पावर पे क्लिक कर तो मेरे बहुत सारी माइनिंग होगी, 1 से 2 दिन में माइनिंग होगी। तो इनको क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट माइनिंग पे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट अर्निंग का, तो स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक कर देना, कुछ नहीं करना। KYC करने के बाद और KYC करने से पहले भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट माइनिंग क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग होती रहेगी, अपना भी ऑटोमेटिक ऊपर यहाँ पे आते रहेंगे, तो इनको कलेक्ट करते रहना, ठीक है। मतलब इनको इन पर क्लिक करके कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर सक्सेस लिखा रहे, तो इन पर क्लिक करके कलेक्ट कर लेना, तो आपकी अपना भी ऑटोमेटिक माइनिंग होती रहेगी। और भाई साहब बता रहा हूँ मैं आपको, यदि आपने 4 से 5 बायपास भी कर देना तो आपको पर डे की इनकम 30 से 40 रुपये हो जाएगी, 30 से 40 रुपये। और भाई कुछ भी नहीं करना, एक ही अकाउंट से होगी भाई 30 से 40 रुपये, ज़्यादा अकाउंट से नहीं होगी, एक ही अकाउंट से होगी 30 से 40 रुपये। जैसे अब मैं अपने यहाँ पे कर लेना माइनिंग कर, तो अब बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने मेन अकाउंट में जाता हूँ, उसमें ऐप इंस्टॉल हो गया होगा,
जैसे कि मेरा एपीआई डाउनलोड हो गया, इसमें आपको बताता हूँ फुल डिटेल साथ कैसे क्या करना है आपको, बस वीडियो में रहना ठीक है। अब देख ओपन हो गया, ऐप ओपन करने के बाद सेटअप पे क्लिक करना है, सेटअप पे क्लिक करना जिससे आपने साइनअप किया ना जो अभी ब्राउजर से, उस पर वो भाई आई डी यहाँ पे लॉग इन कर लो प्लस पासवर्ड डाल दो, फिर बता दूँ क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपने आई डी पासवर्ड डाल दिया, उसका लॉगिन पे क्लिक कर दिया, लॉगिन पे क्लिक करें, दोबारा लॉगिन पे क्लिक करें तो आपके में ये वाला आएगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना पड़ेगा जिसमें आपके होना चाहिए, मतलब न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए प्लस एट द रेट मतलब करेक्टर होना चाहिए, मतलब अच्छा सा पासवर्ड रखो स्ट्रॉन्ग वाला, जैसे मैं रख देता हूँ, जैसे कि मैं पासवर्ड रखते उसके कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक करें सक्सेसफुल मैं कन्फर्म हो जाएगा प्लस दोबारा पासवर्ड का ऑप्शन का दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ मैं। जैसे कि मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर ली, अब आती है मेन चीज ठीक है। अब मेन चीज क्या आती है, सबसे पहले तो आप होम पेज पे आओ, होम पेज पे आने के बाद हैशिंग पावर पे क्लिक करो सेकंड नंबर पे, हैशिंग पावर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर दो आप स्टार्ट अर्निंग, मतलब ठीक है जैसे मैंने आपके दूसरे नंबर कैमरे में जाके दिखाया था ठीक है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है आपको, और अभी अभी आएगी आपकी 100 हैश पावर आएगी पर सेकेंड ठीक है। अब इससे भाई बहुत कम अर्निंग होगी यदि आप ऐसे ही करोगे ना, मतलब आप केवाईसी नहीं करोगे तो भाई आपकी 1-2 रुपये अर्निंग होगी, कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी बस यदि आप ऐसे ही करोगे तो ठीक है। केवाईसी नहीं कर, केवाईसी से अलग फायदा क्या होगा, आपकी 1000 हैश पावर और इंक्रीज हो जाएगी ठीक है। यहाँ पे पहले तो स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक कर देना, स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक होती रहेगी, कुछ भी नहीं करना है कुछ भी ठीक है। उसका क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज हैश रेट पे क्लिक करना है, इंक्रीज हैश रेट पे क्लिक करना है, लग रहा है ना वेरीफाई नाउ, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके ये वाला पेज आ जाएगा मतलब केवाईसी का ठीक है। अब यहाँ से ट्रिक चालू होती है, ये तो एक ट्रिक है, सेकंड ट्रिक अभी बताऊंगा बायपास की ठीक है, मतलब अनलिमिटेड ट्रिक ठीक है एक डिवाइस की। अब करना है यहाँ पे सेलेक्ट करना है कंट्री इंडिया ठीक है, इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इंडिया ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करने का पूरी वीडियो देखना, आपको मेन चीज़ यहाँ से आती है इसकी बिल्कुल मत कर देना ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करना, यहाँ पे इसको सर्च पे क्लिक करता हूँ, सर्च पे क्लिक करने का सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको देखो कम से कम 5 डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे इंडिया में, एक तो आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड ठीक है। तो आप 5 में से किसी का डाल सकते हो, अभी तो मैं बाय मतलब वो बता रहा हूँ भैया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए अपने वही तो बता रहा हूँ, बस वीडियो में ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं अदर क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आधार या पैन कार्ड ऑप्शन है, तो आप आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है। मैं आधार सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डालना है पैन कार्ड का, आधार कार्ड का ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक और ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है आपको इमेज डाउनलोड है, इसकी लिंक मिलेगी आपको ओनली हमारे टेलीग्राम चैनल पर और कहीं नहीं मिलेगी ठीक है। इसको इसकी लिंक मिलेगी टेलीग्राम से क्लिक करके उसको डाउन कर लेना, उसके बाद उसको कर लेना ओपन, ओपन करने यदि आप सेलेक्ट करते हो ड्राइविंग लाइसेंस तो यहाँ पे सर्च करना ड्राइविंग लाइसेंस, यदि सेलेक्ट करते हो वोटर आई डी तो वोटर आई डी, जो मैंने सेलेक्ट करना वो मैं सेलेक्ट करना, कहीं आप वो ही सेलेक्ट करने लग जाओ ठीक है। मैं सर्च करता हूँ इसमें पैन कार्ड ठीक है। पैन कार्ड सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे पैन कार्ड जाएंगे, इसमें रियल फेक ठीक है, तो जो आपको जो सही लग रहा है वो रियल लग रहा है उसको यहाँ पे देख लो कौन सा अच्छा सा लग रहा है, इसमें को अच्छा सा लग रहा है, इसमें देखता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, मतलब कौन ये वाला अच्छा सा लग रहा है ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डाउन कर लेता हूँ ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना, डाउनलोड आपका हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने का करना पड़ेगा, मैं आपको डाउनलोड कंप्लीट हो गया, उसके बाद आ जाओ अपने यूएक्स वाले ऐप में, यूएक्स वाले ऐप में आने एक बात क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना फ्रंट फोटो ऑफ सर्टिफिकेट, बैक फोटो ऑफ सर्टिफिकेट, होल्डिंग सर्टिफिकेट फोटो। तो अब आपको बताता हूँ ट्रिक कैसे चालू होती है ठीक है। जो आपने डाउनलोड कराना है मैं सबसे पहले तो फ्रंट फोटो ऑफ सर्टिफिकेट उसको उसमें कर दो अपलोड, इसमें अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि मेरी होगी फोटो अपलोड फर्स्ट फ्रंट की ठीक है। अब बैक में क्या करना है, बैक में भी आपको सेम टू सेम जो फ्रंट की अपलोड करी है ना, फ्रंट की अपलोड करी उसको ही बैक में अपलोड कर देना ठीक है। अगर इसमें बैक में भी सेम टू सेम अपलोड कर देता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, इसका यहाँ पे फर्स्ट वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है। अब सेम टू सेम ये भी सेट होगी बैक में, अब थर्ड में भी सेम टू सेम यही करनी है, मतलब तीनों में एक जैसी करनी है ठीक है, तीनों में एक जैसी करती है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना रियल नेम, रियल नेम जो आपने अपलोड करी उसका नाम डाला, इसमें इसमें लिख रहा है प्रमोद कुमार महतो, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ प्लस का डालता हूँ डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे कि मैंने उसका नाम डाल दिया प्रमोद कुमार महतो, उसके बाद मैंने इसकी आई जो पैन कार्ड का नंबर है वो डाल दिया ठीक है। तीनों में दोबारा बताऊँ, तीनों में सेम डालने है, कुछ भी नहीं डालना। उसके बाद अपना यहाँ पे डालना है ट्रांजेक्शन पासवर्ड, जैसे मैंने डाल दिया ऑलरेडी ठीक है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने उसको कर देना सबमिट पे क्लिक, सबमिट पे क्लिक करना सक्सेसफुल ये सबमिट हो जाएगा। यदि सबमिट नहीं होता है ये बोलता है कि ये वाला पैन कार्ड आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो आपको वोटर आई डाल लेना है, वोटर आई भाई 5 है, 5 में कुछ डाल, जब भी नहीं होता 5 में कुछ भी नहीं होता है बोलता है ये ऑलरेडी यूज, तो आप कुछ भी नंबर चेंज कर देना आगे पीछे ठीक है। पैन कार्ड का नंबर कुछ और है उसकी में, तो आप आगे पीछे कुछ और चेंज कर देना, एक दो डिजिट चेंज कर देना, इससे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब करना है, अब आती है सेकंड बारी एडवांस वेरिफिकेशन की ठीक है। ये एडवांस वेरिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करनी पड़ेगी वीडियो अपलोड, आपकी फेस की वीडियो अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। वही तो ट्रिक बताता हूँ यार, सुन वही तो यार इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक बताता हूँ जब भी। अब सुनो क्या करना है, इसमें आपको एक बार नंबर ये लिख लेना है जो आपका नंबर स्क्रीन पर आ रहा है ना 3219065 ठीक है, इसको नंबर कहीं पर लिख लेना है, इसमें कहीं पर लिख लेता हूँ। मैंने नंबर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कुछ बोलना है इसमें ठीक है। 15 सेकंड की वीडियो बनानी है, 15 सेकंड वीडियो कैसे बनानी है मैं आपको बताता हूँ।
यदि आप अपलोड पर क्लिक करोगे ना, अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपके में ये आएगा सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी, और मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट वीडियो बनाओ, तो आप डायरेक्ट वीडियो बनाने लगते ना, पता नहीं मेरे में डायरेक्ट वीडियो बनाने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, तो मैं पहले अपने कैमरे से वीडियो बना लेता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक, कैसे बनानी है वीडियो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके में ऑप्शन है तो कैमरे पर जाना, कैमरे पर जाने यहाँ पे आपको बनानी है 15 सेकंड की वीडियो। ठीक है, 15 सेकंड की वीडियो बनानी है। 15 सेकंड की वीडियो कैसे बनानी है, आपको वीडियो पे क्लिक कर देना है, वीडियो पे यहाँ पे जो आपने नंबर लिखा है ना कहीं पे, उसको यहाँ 15 सेकंड वीडियो बनाया, इस पर क्लिक करके यहाँ 15 सेकंड वीडियो बना लेता हूँ, और यहाँ पे नंबर बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, नंबर क्या बोलना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, 3 2 1 9 0 6 5 5। जैसे कि फिक्स आपको 15 सेकंड की वीडियो बनानी है, मेरी 15 सेकंड की वीडियो बन गई। अब क्या करना है, आपको जानना है अपने यूवेक्स वाले अकाउंट में इस वीडियो कर देनी अपलोड। मैं इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बैक करके दोबारा करा, तो इसमें यहाँ पे शूटिंग वीडियो का ऑप्शन आ गया, तो आप शूटिंग वीडियो पे क्लिक करिए, 15 सेकंड वीडियो बना लेना। ठीक है, इसमें बना लेता हूँ, यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। जैसे कि मेरी वीडियो होगी अपलोड, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देना, दोबारा उसका सबमिट पर क्लिक कर देना, सबमिट पर क्लिक करना, उसमें यहाँ पर लिखाएगा सक्सेस। ठीक है, उसका दोबारा कंफर्म पर क्लिक कर देना, उसके बाद दोबारा होम पेज पर आना, दोबारा होम पेज पर आने के बाद हैशिंग पावर पर क्लिक करना है, हैशिंग पावर पर क्लिक करना है। देखो पहले आपकी 100 हैश पावर थी, तो आपकी जैसे KYC वेरीफाई हो जाएगी, तो आपकी यहाँ पे 1000 हैश पावर और बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हैश रेट पर क्लिक करना है, इंक्रीज हैश रेट पर क्लिक करना, वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना, देना कि आपकी पेंडिंग, यहाँ पर पेंडिंग है नहीं। ठीक है, यहाँ पर अभी आपकी पेंडिंग है दोनों, एडवांस प्लस प्राइमरी आपकी। ठीक है, उसका करना पड़ेगा यहाँ पे अपना। अब आती है बायपास की बात। ठीक है, ये आप क्योंकि KYC की ट्रिक ना, आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट देना ना कुछ देना। ठीक है, फुल बायपास ट्रिक होता है आपको KYC। अब करना अपना, अब बताता हूँ मैं आपको एक डिवाइस की ट्रिक, बायपास ट्रिक। ठीक है, और देखो ये KYC वेरीफाई हो जाएगी आपकी ओनली 10 से 12 मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, 10 से 12। मेरी हो गई थी 3 घंटे के अंदर, 3 से 4 घंटे। अब तो क्योंकि मैं ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह ज़्यादा ट्रैफिक आएगा इसलिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसलिए वैसे मैक्सिमम टाइम 1 से 2 दिन है, लेकिन आपकी 10 से 12 घंटे में हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं पता ये कब ट्रिक ओवर हो जाए KYC की और प्लस बायपास ट्रिक। ठीक है, अब करना है सबसे पहले तो अपनी रेफर लिंक कर लेनी, यहाँ से कॉपी करने में मैं आपको मुझे नहीं बताया था बायपास कैसे करना है। अब देखो, एक बायपास करने के लिए आपको एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर देना, उसके बाद बायो ब्राउजर को ओपन करना है। बायो ब्राउजर को ओपन करना है, जो आपने रेफर लिंक मेन अकाउंट की पेस्ट करी ना, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, मैंने कॉपी कर उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने का तो अपनी ईमेल डालना, ईमेल आईडी ना कि टैंप मेल। ठीक है, ईमेल डालना, और मिनिमम बता आपको करना है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम आपको करना है, आपको 4 से 5 बायपास, मतलब 4 से 5 अकाउंट बनाना है बस, ज़्यादा अकाउंट मत बनाना है। ज़्यादा अकाउंट जब बनाना है 4 से 5 दिन बाद, जब इनको पता नहीं चले अब तक। ठीक है, ओनली क्योंकि इसमें कुछ मेहनत नहीं है, कुछ नहीं करना, आप क्या करना है आपको सब चीज़ फिल कर लेना, फिल करने का दोबारा लॉगिन कर लेना, इसी में करना है ब्राउजर में लॉगिन, ब्राउजर में लॉगिन करने के बाद दोबारा ब्राउजर में KYC कर देना, फेक KYC कर देना ब्राउजर में, फेक KYC करने के बाद दोबारा अपनी फेक KYC होगी ना ब्राउजर में, उसके बाद डू मल्टी स्पेस में आ जाना, जो आपने अपना टेम्प्रेरी अकाउंट बनाया उसको डू मल्टी स्पेस में कर लेना लॉगिन। ठीक है, आपको ना ऐप क्लोनर नहीं चलेगा इसमें, पहले स्पेस चल जाएगा, लेकिन पहले स्पेस में एक अकाउंट बना सकते हो, इसलिए मैंने पहले स्पेस नहीं बताया, इसलिए आप डू मल्टी स्पेस में 4 अकाउंट बना लेना जैसे मैंने बताया। ठीक है, बस एक बार बायपास करने के बाद, मतलब एक बार न्यू अकाउंट बनाने के बाद एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर दें, से आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो। ठीक है, मैं आपको फुल डिटेल सर बताती हूँ, प्लस माइनिंग कैसे स्टार्ट होगी, माइनिंग स्टार्ट तो बताई थी कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ माइनिंग क्लिक कर देना, और पहले बता रहा हूँ मतलब आपकी माइनिंग होती रहेगी, और 4 से 5 ज़्यादा रेफर बायपास मत करना, और पता नहीं एक ट्रिक कब और हो जाए, और आपकी डेली की अर्निंग यदि आप 4 से 5 बायपास कर दें तो डेली अर्निंग 40 से 50 रुपये डेली हो जाएगी। ठीक है, और मिनिमम रिटर्न कुछ नहीं है, मिनिमम रिटर्न है ओनली 4 से 5 मतलब 300-350 रुपये है मेन रिटर्न, और आपकी इस वीडियो को आपके आराम से 6-7 दिन में आपकी माइनिंग हो जाएगी। यदि आप ज़्यादा रेफर करोगे तो भाई 2-3 दिन में आपकी हो जाएगी 350 रुपये के अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद पेटीएम में इसको ले सकते हो, इसकी पेटीएम की ट्रिक आ जाएगी कल परसों में। ठीक है, दूसरे चैनल में मैं डाल दूंगा, मैं न्यू चैनल बना रहा हूँ, उसमें आपको पेटीएम की ट्रिक बता दूँगा कैसे पेटीएम की ट्रिक डालें, बस इस वीडियो में था बस। और यदि और कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई लूट या तरह ये ट्रिक ओवर जाएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूँगा, बस इस वीडियो में था। और जो भी प्रॉब्लम है मैसेज कर देना, आपका 100 रुपये 5 मिनट में दे दूंगा। थैंक यू।